Apart from the ambience and lightings and the decorating things, I think food is the main thing which we are looking forward to. Something you are confident about? You want to say about something about the place? They haven't seen the place yet. They just came today, so we're going to say something more about this later probably. Yeah. Thank you. Ali Merchant is a very good close friend, and I'm really happy that Ali Merchant is performing. So that's one of the prime reasons why I'm here. Also, any new place, any new party place is really exciting. They tend to look the same, but actually everything has a different perspective to it. So I've just come here to check out ki kya naya hai, kya alag hai. With the festival season, Christmas, New Year, this is the time to party, and a new party place is always welcome. So did you see the venue as in what kind of ambience the venue has got and what happened? I really did not check it out in detail, but I just got a glimpse of it, and it looks interesting in the sense that the lighting is very new, with lots of new kinds of lights coming in, lot of LED work and lot of smoke effects, and अभी तक जितना देखा है मुझे मैं लाइटिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ एंड ऑल्सो द स्पेस इज गुड अच्छी बड़ी जगह है न्यू ईयर प्लान्स आई एम गोइंग टू बी होम विद माय फ्रेंड्स दैट्स द ओनली प्लान एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड टेल एवरीबडी प्लीज़ माय मैसेज टू एवरीबडी वुड बी प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड प्लीज़ डू नॉट गेट वाइल्ड इट इज़ जस्ट अ न्यू ईयर यू हैव अनदर लाइफ आफ्टर दैट इस साल ख़त्म हुआ और अगला साल शुरू हुआ है ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी है कि आज ही कर लो जितनी पार्टी करनी है इट्स नॉट लाइक दैट सो प्लीज़ बी केयरफुल बी सेफ ड्रिंक इन योर लिमिट्स एंड डोंट डू दंगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू हाँ वो ले लो ये वाह एक नंबर हो गया आप ले लो एक टोपी ले लो हो गया एक मिनट बढ़िया सर आइए सर हम आइए से खड़ा नहीं चलेगा ये परमात पूछा रे मैम क्या कहना चाहेंगे इस वेन्यू के बारे में और अली मर्चेंट आज परफॉर्म कर रही है यहां पे या दैट इज फाइन वी हैव कम फॉर अली मर्चेंट उसका परफॉर्मेंस की वजह से एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस नाइस प्लेस इट इज एंड बहुत अच्छे टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया है न्यू ईयर के पहले तो आई थिंक इट्स गोइंग टू रॉक एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू रॉक तो जब भी आप कोई प्लेस जाने के लिए व्हाट डू यू लुक फॉर क्या देखने के क्या अच्छा चाहिए डेकोर and the atmosphere and easily accessible. Yeah? Thank you and happy new year to all of you. Thank you. Done. Hello, come on. देखिए अली मर्चेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका जो परफॉर्मेंस रहती है हमेशा यूनिक ही रहती है तो आज भी धमाल करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे जितने भी अपनी ऑडियंस उनको अच्छा लगेगा फिर आपने प्रोजेक्ट पे काम किया आपने हाल ही में आपने फिल्म आई थी काफी कुछ आगे क्या करना है आपको मैं अभी तक 41 फिल्म्स कर चुका हूं रिसेंटली मेरी दो फिल्में रिलीज हुई हैं एक का नाम है मर्दानी 2 एक हॉलीवुड की फिल्म है मुंबई होटल इस साल मैंने 8 फिल्में की हैं जिसमें से एक है शमशेरा जिसे मल्लोदरा साहब ने डायरेक्ट किया है एक है कैश जिसे क्या नाम है विशेष फिल्म्स की मूवी है ये एक फिल्म है मैन टू मैन जिसे अबीर सैन गुप्ता जी ने डायरेक्ट किया है एक मूवी है बोरीवली का ब्रूस ली जिसे आशुतोष वारंग जी ने डायरेक्ट किया है और काफ़ी फिल्में अभी एक वेब सीरीज़ कर रहा हूं मैं बालाजी मोशन पिक्चर के साथ जिसका नाम है मुंबई और आगे प्लानिंग क्या है न्यू ईयर को लेकर क्या रहने वाले हैं 31st में क्या प्लानिंग है यार मेरी तो कोई ज़्यादा विशेष कोई प्लानिंग नहीं रहती बस मेरी प्लानिंग यही है कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकूं कुछ जो सोसाइटी के बच्चे हैं उनके लिए अच्छा कर सकूं बस इतना ही और कुछ नहीं थैंक यू सो मच हाँ जी सर यहाँ का यस एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं बहुत टाइम बाद कोई क्लब आ रही हूँ. सो लेट्स सी कि एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है बिकॉज अली मर्चेंट है यहाँ पर. आई मीन एक्चुअली ऐसा लगता है कि अब इतना कुछ काम करने के बाद थोड़ा मी टाइम चाहिए. अकेले बैठना है, कमरे में गाने सुनने हैं और बस. So I have done this film called मुद्दा 370 JNK and release हो गई है. So ठीक है, response was okay but then ठीक है. So अभी हो गया. Like next project is in 2020. So maybe I'll be working with South. Thank you. Yeah. ये शर्मा दिया तो क्यों शर्मा दिया? Yeah, we can. कैसा लग रहा है? अभी मैं ऊपर जाऊंगा, लाइक एंट्री एंड ऑल, डेकोरेशन एंड ऑल बहुत अच्छी जगह लग रही है एंड प्रिपरेशंस बहुत अच्छी थी. काफ़ी बज़ है इस जगह के खुलने का एंड वी ऑल सेट फॉर द पार्टी. आज ओपनिंग पार्टी है तो वी ऑल आर सेट फॉर दैट. तो डू यू थिंक ऐसा कुछ सोच सकते हैं हम लोग कि 31st भी आप सोचेंगे यहाँ मनाने के लिए? जी ज़रूर. एक्चुअली हम इंडस्ट्री से हैं, हम दोनों इंडस्ट्री से हैं. मेरे काफ़ी फ्रेंड टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ पे पार्टी करने आ रहे हैं. तो आज का एक्सपीरियंस देख के इट्स वेरी गुड. आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छा होगा हमारा एक्सपीरियंस और उसके मुताबिक हम 31st भी यही करने का प्लान कर सकते हैं. आप इसको अपनी शुभकामनाएं किस रूप में देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूं कि ये जो है एमी टेस्ट, लाइक आई विश ऑल द वेरी बेस्ट. लाइक जितनी दुआएं दे 31st 2020 आ रहा है तो ये तरक्की करे एंड दिस शुड बी वन ऑफ द बेस्ट नाइट क्लब्स ऑफ अंधेरी एंड ऑफ मुंबई. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट.